गाइस, मैं हूं शीतल और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक प्रिंटर अनबॉक्स करके बताने वाली हूं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक मिनी पॉकेट पाम साइज प्रिंटर है और ये शाओमी ब्रांड का है। और इस प्रिंटर का स्पेशलिटी ये है कि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट और छोटा है इसका साइज़। और इसे आप आपके फ़ोन से ब्लूटूथ से कनेक्ट करके इंस्टेंटली कहीं पर भी पिक्चर्स प्रिंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसे अनबॉक्स करके इसके सारे फीचर्स भी बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा Xiaomi का पॉकेट प्रिंटर। ये कुछ इस तरह की सिंपल सी बॉक्स पैकिंग में आया है। और मेरे पास सिर्फ ये प्रिंटर ही नहीं, इसके एक्स्ट्रा प्रिंटिंग शीट्स भी है। ये 50 शीट्स का बंडल है और ये इस प्रिंटर के साथ इंक्लूडेड नहीं है। अगर आपको चाहिए तो इसे सेपरेटली ख़रीदना पड़ेगा। तो चलिए पहले मैं आपको इसका बॉक्स पैकिंग बता दूँगी। सेंटर में इसका पिक्चर है। ये प्रिंटर सिर्फ हमारे पाम साइज़ के उतना ही है इसका साइज़ भी। और यहाँ पर साइड पर हम इसके थोड़े फीचर्स देख सकते हैं। और बैक साइड में हम देख सकते हैं ये दोनों एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस से कंपैटिबल है और ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। और इस प्रिंटर से आप सिर्फ नॉर्मल पिक्चर ही नहीं बल्कि कई सारे डिफरेंट पिक्चर्स, जैसे AR पिक्चर, वॉइस पिक्चर्स, ऐसे कई सारे डिफरेंट पिक्चर्स आप प्रिंट कर सकते हैं और फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस छोटे से प्रिंटर में कई सारे फीचर्स हैं जो मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। बॉक्स पर तो और कुछ लिखा नहीं है, तो चलिए आप हम अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। बॉक्स के अंदर एक USB केबल है। ये एक रेगुलर USB टू माइक्रो USB केबल है इस प्रिंटर को चार्ज करने के लिए। और ये रहा Xiaomi मिनी पॉकेट प्रिंटर। मैं इसे आपको बाद में बताऊंगी, पहले बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारे बता दूंगी। ये इसका यूज़र मैनुअल है, लेकिन इसमें सब कुछ चाइनीज़ में ही लिखा है तो ये इतने काम की चीज़ नहीं है। और बॉक्स में इस प्रिंटर के साथ हमें 5 प्रिंटिंग शीट्स आ रहे हैं। इस छोटे से पैकेट में 5 शीट्स है। और अगर आपको एक्स्ट्रा पेपर्स चाहिए तो आपको सेपरेटली ख़रीदना पड़ेगा। तो बॉक्स के अंदर ये सारे चीज़ें आए थे। अब मैं आपको प्रिंटर और इसके डिज़ाइन सब कुछ बताऊंगी। ये नीटली पैक्ड आया है इस कवर में और वाइट कलर में। ये प्रिंटर देखने में तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये सिर्फ मेरे पाम साइज़ के उतना ही है। और यहाँ पर नीचे हम मी ब्रांडिंग भी देख सकते हैं। और इसका बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है। ये हाई क्वालिटी प्लास्टिक से बना हुआ है और ऊपर भी सब कुछ ग्लॉसी फिनिश के साथ बढ़िया दिख रहा है ये प्रिंटर। इस तरफ हम थोड़े बटन्स देख सकते हैं। ये इसका पावर ऑन ऑफ बटन है और यहाँ पर इसका माइक्रो USB पोर्ट है चार्जिंग के लिए। और ये LED स्टेटस इंडिकेटर्स है, चार्जिंग और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के इंडिकेटर्स। और इस तरफ लिखा है मी फोटो प्रिंटर। इस साइड से फोटो बाहर आता है प्रिंटिंग होने के बाद। ये देखने में भी एक प्रिंटर की तरह नहीं दिख रहा है, ये एक पावर बैंक या फिर एक्सटर्नल पोर्टेबल हार्ड डिस्क की तरह दिख रहा है। तो इसे हम इजीली पॉकेट में डालकर कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं क्योंकि ये छोटा है, कॉम्पैक्ट है और ये उतना हेवी भी नहीं है। तो अब मैं आपको ये प्रिंटर कैसे काम कर रहा है भी एक बार डेमो बताऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इस पैकेट से इसके प्रिंटिंग शीट्स बाहर निकाल दिए हैं। और इन प्रिंटिंग शीट्स के साथ हमें एक कैलिब्रेशन चार्ट भी आता है। ये कार्ड जो है ये कैलिब्रेशन चार्ट है और यहाँ पर पीछे हम देख भी सकते हैं इसे कैसे प्लेस करना चाहिए प्रिंटर में। और इन प्रिंटिंग शीट्स का साइज़ है 2x3 इंच। और ये जिंक पेपर्स है तो ये इंक यूज़ नहीं करता ये प्रिंटर। तो अब मैं आपको इसे प्रिंटर में कैसे प्लेस करते हैं भी बताऊँगी। इस प्रिंटर के ऊपर के कैप को ऐसे स्लाइड करना चाहिए और यहाँ पर भी हम इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं इसे कैसे प्लेस करना चाहिए। तो फर्स्ट आपको इस कैलिब्रेशन कार्ड को इसमें प्रिंटर में बॉटम में प्लेस करना पड़ेगा इस तरह से। और फिर उसके बाद में आप इन प्रिंटिंग शीट्स को प्लेस कर दीजिए। और एक साथ आप मैक्सिमम 10 शीट्स को इसमें प्लेस कर सकते हैं। और एक बार प्रिंटर में इसके शीट्स प्लेस करने के बाद दोबारा से इसके कैप को ऐसे स्लाइड करके क्लोज कर दीजिए। तो दोस्तों, मैंने इस प्रिंटर को ऑन करके मेरे फ़ोन से ऑलरेडी पेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पर आप इसका ब्लूटूथ LED स्टेटस इंडिकेटर भी देख सकते हैं। और इसका पेयरिंग प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल है। सिर्फ मी होम ऐप से आप इसे इजीली कनेक्ट कर ले सकते हैं आपके फ़ोन के साथ। और पेयर करने के बाद जब ये डिवाइस आपके फ़ोन में दिख रहा है उस पर प्रेस करने पर हम इसके सारे फीचर्स देख सकते हैं। तो करेंटली ये प्रिंटर अभी स्टैंडबाय मोड में है और यहाँ पर हम कई सारे डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हैं। प्रिंट फोटोज़, AR फोटोज़,
साउंड फ़ोटो या स्कैन योर AR फ़ोटो, तो ऐसे कई सारे डिफरेंट ऑप्शंस है। तो अब मैं आपको एक पिक्चर सेलेक्ट करके उसे प्रिंट करके भी बताऊंगी। तो मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट कर लिया है और नीचे हम एडिट ऑप्शन देख सकते हैं और आपको कितने कॉपीज़ चाहिए उस पिक्चर का वो भी आप सेलेक्ट कर ले सकते हैं। और ऊपर इसका प्रिंट बटन है, तो एडिट में मैं इस पिक्चर को एक बॉर्डर देना चाहूँगी, आप चाहे तो दे सकते हैं वरना नहीं। और इसमें कई सारे फिल्टर्स हैं, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो भी सारे सेटिंग्स चाहिए आपके पिक्चर पे वो पूरे सेलेक्ट कर लेके बाद में ऐसे प्रिंट कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ट्रांसफरिंग हो रहा है, फिर आप ये प्रिंटर कैलिब्रेट कर रहा है, तो फर्स्ट ये इसका कैलिब्रेशन कार्ड जो है वो पहले बाहर आएगा। तो ये इसका कैलिब्रेशन कार्ड है, ये बाहर आ गया है और अब ये मेन पिक्चर जो है वो प्रिंट करेगा। ये प्रिंटर कोई इंक यूज़ नहीं करता और प्रिंट करने के लिए ये अप्रॉक्सीमेटली 45 सेकंड्स तक टाइम लेता है एक पिक्चर प्रिंट करने के लिए। ये मेरे फ़ोन में भी दिखा रहा है कितना पिक्चर प्रिंट हुआ है और ये कंप्लीट कैलिब्रेशन और फाइनल पिक्चर प्रिंट करने के लिए ऑलमोस्ट 45 सेकंड्स तक टाइम लेता है। और ये प्रिंटर JPEG और PNG फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है प्रिंटिंग के लिए। पेपर साइज़ जो है वो 2x3 इंच है। इस पिक्चर का रेजोल्यूशन है 313x400 DPI। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिक्चर बाहर आ चुका है और ये प्रिंट होने के बाद इमीडिएटली आप इस फोटो को ऊपर भी टच कर सकते हैं, ये कुछ आपके हाथों को इसका इंक नहीं लगेगा। और ये सिर्फ एक फ़ोटो नहीं बल्कि ये एक एडहेसिव फ़ोटो है। इस पिक्चर के पीछे एक स्टिकर है, तो इसे निकाल कर आप कहीं पर भी इसे स्टिक कर ले सकते हैं। तो ये था मेरा अनबॉक्सिंग और रिव्यू इस Xiaomi पॉकेट प्रिंटर का। इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है और ये बहुत ही छोटा और कॉम्पैक्ट साइज़ का है, तो हम इसे पॉकेट में या पर्स में रखकर कहीं पर भी इजीली लेकर जा सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि हमें इसे किसी वायर से भी कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ब्लूटूथ से आपके फ़ोन के साथ पेयर कर लेके आप कौन सा भी फ़ोटो को इंस्टेंटली वहाँ पर प्रिंट कर ले सकते हैं। और मुझे एक्चुअली ये पसंद आया। ये कुछ 6,000 रुपीज़ में अवेलेबल है, मैं आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, आप उसे वहां से ले सकते हैं। तो बस इतना ही था दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और नीचे नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ सके। मैं आपको मेरे अगले वीडियो में मिलूंगी। बाय।